साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र में महिला की जन्म कुंडली में स्थित उन ग्रहों की जिससे उसके विवाह और उसके पति की स्थिति का पता चलता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का फल कथन करते समय उसके स्त्री पुरुष होने का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। ग्रह समान होते हुए भी कई बार स्त्री और पुरुषों के लिए उसके फल अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए कुंडली देखते समय उसका बहुत बारीकी से मिलान कर उसकी गणना करना चाहिए। उन्हीं में से कुछ बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे, जिसमें नंबर एक पर है, जिस स्त्री की कुंडली में लग्न चर राशि का हो उसका पति हमेशा विदेश यात्राएं करता रहता है और वह दूसरे देशों में रहता है। दूसरा बिंदु यह है कि स्त्री की कुंडली में बुध और शनि सातवें भाव में हो तो पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। तीसरा बिंदु यह है कि स्त्री की कुंडली के आठवें भाव में बैठा शनि उसके पति के लिए अनिष्टकारी होता है। अगला बिंदु है, बुध और शुक्र स्त्री की कुंडली में लग्न में हो तो पति बहुत प्रेम करने वाला मिलता है। सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हो तो पति क्रूर, निर्धन और चालाक किस्म का होता है। अगले बिंदु में, सप्तम भाव में ही अगर शुभ ग्रह हो तो सुंदर, विवेकी और उच्च शिक्षित पति मिलता है। इसके अलावा आठवें भाव में शनि और सूर्य हो तो उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है। और एक बिंदु है जिसमें स्त्री की कुंडली में सातवें भाव में शनि हो और उसका कोई पापी ग्रह की उस पर दृष्टि हो तो विवाह में बाधाएं बहुत आती हैं। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु जो कि पति की वैवाहिक स्थिति बताती है। इसके अलावा अब बात करेंगे वैधव्य योग के बारे में। यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में यदि सप्तम मंगल हो और अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो वह शीघ्र विधवा हो जाती है। दूसरा बिंदु है, यदि सप्तमेश अष्टम में हो और अष्टमेश सप्तम में हो तो विवाह के कुछ ही महीनों में पति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आठवें भाव में कोई पाप ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो और उस ग्रह की महादशा चल रही हो तो भी महिला विधवा हो जाती है। इसके अलावा लग्न और सप्तम में पाप ग्रह होने पर विवाह के 7 वर्ष बाद पति की मृत्यु का योग बनता है। इसके अलावा अगला बिंदु है, यदि अशुभ ग्रह अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में दूसरे 7वें या 8वें भाव में हो तो पति की मृत्यु पहले हो जाती है। और इसके अलावा स्त्री की कुंडली में यदि अष्टम भाव का सूर्य पति की असामयिक मृत्यु बताता है। तो साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि कुंडली देखते समय अवश्य मिलान करने चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अन्य वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।